हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है माइकल चैनल पर। मैं हूं कमलेश। आज के इस वीडियो में हम सीखेंगे कैसे आप एक्सेल में जो है डेली के जो एक्सपेंसेस हैं उसको आप मेंटेन कर सकते हैं। तो उसके लिए ऑलरेडी देखिए यहां पर एक डेली एक्सपेंस शीट मैंने क्रिएट किया हुआ है, जिसके थ्रू मैं आपको समझाऊंगा कि कैसे आप भी ऐसे ही सेम डेली एक्सपेंसेस शीट को क्रिएट कर सकते हैं, वो भी एक्सेल में। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर मैंने इस यहाँ पर जो है मैंने टोटल 6 कॉलम ले रखे हैं, जहाँ पर एक तरह दे होंगे आप डेट, डिटेल्स, रिमार्क, इनवर्ड, आउटवर्ड एंड बैलेंस। तो सबसे मैं थोड़ा आपको शॉर्ट में बता दूँ कि इसमें क्या क्या चीज़ें हैं जो आपको अंडरस्टैंड करनी है। तो यहाँ पर डिटेल्स के अंदर आप वो सब कुछ लिखेंगे जो आप इसमें कर रहे हैं। सपोज करो आपने कोई पैसा कंपनी के काम के लिए बैंक से विड्रॉ किया, या आपकी कोई काउंटर सेल हुई, ठीक है, या आपने कोई अपने ऑफिशियल परचेज के लिए कोई आइटम कुछ परचेज किया हो, लैपटॉप किया हो, प्रिंटर किया हो, या पेमेंट किया हो, इलेक्ट्रिसिटी बिल है, जो भी है इस तरह की, आप जो है रोजमर्रा की जो भी आपकी यहाँ पर एक्सपेंसेस हैं उसको इस तरह से आप यहाँ पर डिटेल उसकी मेंशन कर सकते हैं। अगला जो कॉलम है वो है हमारा रिमार्क्स। तो रिमार्क्स मीन्स कि आपने सपोज करो आपने कोई प्रिंटर लिया तो उसको आपने किस तरह से पेमेंट दिया, पेमेंट कैश के थ्रू हुआ है या आपका ऑनलाइन हुआ है या नेट बैंकिंग, कैसे आपने उसको पेमेंट किया है। तो यहाँ पर आप रिमार्क्स में अपना जैसे भी आपको नीड है उस तरह से आप यहाँ पर रिमार्क जो है उसका अपडेट कर सकते हैं। सेकंड, यहाँ पर इनवर्ड एंड आउटवर्ड, नॉर्मली इसको आप इन भी बोल सकते हैं। इन मींस जो आपके पास अगर आपने कहीं से सॉरी आपका कैश के थ्रू आपके पास कैश आया कहीं बैंक से या आपकी कोई काउंटर सेल हुई तो इसमें आप वो अमाउंट यहाँ पर आप रखेंगे, या उसे आप इनवर्ड भी बोल सकते हैं या उसको आप सिंपल भाषा में इन भी बोल सकते हैं। सेकंड हमारा है आउटवर्ड। आउट मीन्स जो आपके यहाँ पर एक्सपेंस हो रखे हैं, जैसे यहाँ प्रिंटर परचेज हुआ है तो रिमार्क्स में यहाँ पर देखिए वो कैश पेड हुआ है, तो यहाँ पर 5000 का था जो कि यहाँ पर अपडेट है। ठीक है, और लास्ट में हमारा है बैलेंस। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख रहे होंगे कि जो लास्ट मंथ का बैलेंस था वो था 25000। ठीक है, तो यहाँ प्रिंटर परचेज हुआ है 5000 को, तो देखिए यहाँ पर उसका अमाउंट डिडक्ट होके आ गया है 20000। ठीक है, फिर यहाँ पर लैपटॉप कैश पेड हुआ है 20000 का, तो यहाँ देखिए बैलेंस हो गया है नील। तो इस तरह से जैसे जैसे जो भी यहाँ पर इनवर्ड आउटवर्ड हो रहा है तो उसका यहाँ ऑटोमेटिक ही सब कुछ यहाँ पर डिटेल यहाँ पर अपडेट होता जा रहा है। ठीक है, तो फिर ओवरऑल लास्ट में क्या हुआ है, जितना भी ये हमारे पास जो भी यहाँ पर आया है बैंक के थ्रू या जहाँ से भी किया है तो उसका अमाउंट देखिए यहाँ पर आ गया टोटल 65000। ठीक है, और जो टोटल एक्सपेंस हुआ है वो है 46000। इस सब मिला के जो लास्ट में जो बैलेंस रहा है क्लोजिंग बैलेंस वो रहा है 44000 का। ठीक है, तो इस तरह से ये एक डेली एक्सपेंसेस शीट है। चलिए फिर मैं आपको बताता हूँ कि कैसे आप इसको क्रिएट कर सकते हैं। तो सबसे पहले मैं इन सभी चीज़ों को यहाँ से रिमूव कर देता हूँ ताकि मैं आपको दोबारा से आसानी से इसको समझा सकूँ। ठीक है, तो यहाँ पर डेट हम रख लेते हैं जुलाई मंथ की। ठीक है, यहाँ मैं ले लिया 2 जुलाई, सॉरी, और इसको मैंने सिंपल सा ड्रैग कर लिया यहाँ तक। ठीक है, अब यहाँ पर है डिटेल्स। तो डिटेल्स जैसे मैंने आपको बताया तो यहाँ पर मैं ये दिखाऊंगा। अब यहाँ पर अगर हम देखें, मैं अगर यहाँ से करता हूँ 1 जुलाई, ठीक है, ये हो जाएगा आपका 2 जुलाई। तो इसको मैं ड्रैग करता हूँ यहाँ से यहाँ तक। अब मैं यहाँ पर हमारा आ जाएगा, इसको मैं ब्लैंक लिखता हूँ, यहाँ लिख देता हूँ मैं लास्ट मंथ बैलेंस, यानी कि हमारे पास पिछले मंथ का जो बैलेंस था तो वो बैलेंस यहाँ लिख देते हैं हम, फॉर एग्जांपल 30000 रुपीज़। ठीक है, अब यहाँ पर हम डिटेल लिखेंगे। डिटेल मीन्स जैसे मैंने आपको पहले बताया, फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ लिख रहा हूँ कि हमने यहाँ पर लैपटॉप, ठीक है, कोई लैपटॉप परचेज किया कंपनी के लिए। ठीक है, तो उसको आप कैसे यहाँ दिखा सकते हैं, अगर आपने पे ऑनलाइन किया है तो यहाँ पर आप दिखा सकते हैं, कैश किया तो वो भी आप यहाँ पर दिखा सकते हैं। ठीक है, तो ये आउटवर्ड है क्योंकि हमने परचेज किया है तो वो हमारा जो बैलेंस था उसमें से ये डिडक्शन होगा इसका। ठीक है, तो सपोज करो अगर हमने यहाँ 20000 का लिया है तो उसके लिए हम क्या है यहाँ फंक्शन यूज करेंगे। हम क्या करेंगे यहाँ पर, ये जो अमाउंट है इसको प्लस करेंगे यहाँ के अमाउंट से। ठीक है,
ये दोनों प्लस जाएंगे, फिर हम इसमें से माइनस करेंगे इस अमाउंट को और इंटर प्रेस कर देंगे। ठीक है, तो अब यहाँ पर तीन चीज मैंने क्या की है, जो ये वाला बैलेंस था हमारा, इसमें मैंने यहाँ पर सपोज करो अगर कोई एंट्री हम करेंगे तो ऑटोमेटिकली वो अमाउंट वहाँ पर प्लस जाएगा। और थर्ड मैंने इसमें कंडीशन क्या रखी है कि इसमें से ये वाला जो अमाउंट है वो डिडक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो मैं सिंपल इसको अब मैं यहाँ पर यहाँ तक ड्रैग कर लेता हूँ। ठीक है, तो ये लैपटॉप हमने परचेज किया, फिर हम लिख लेते हैं यहाँ पर कंप्यूटर हमने परचेज किया है। ठीक है, तो इसका भी हम ले लेते हैं फॉर 15,000। ठीक है, अभी देखिए हमारा बैलेंस माइनस में चले गया। तो अभी हमने सपोज करो यहाँ से विड्रॉ किया बैंक से कोई कैश, विड्रॉ किया हमने। ठीक है, तो विड्रॉ हमने यहाँ किया है फॉर एग्जाम्पल 30,000 का। ठीक है, तो देखिए अभी माइनस हो रहा था, यहाँ पर अब प्लस हो गया। ठीक है, अब यहाँ पर दे लेते हैं हम, हमने यहाँ पर स्टेशनरी आइटम हम लिख सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर आप कुछ भी लिख सकते हैं जो तेरा आप नीचे, तो 2,000 का मैंने ये दिखा दिया यहाँ पर। और चेयर हम यहाँ ले सकते हैं। ठीक है, 1,500 का हमने ये ले लिया। फिर अपना इलेक्ट्रिसिटी हम बिल दिखा सकते हैं। ठीक है, ये रिमार्क यहाँ ले सकते हैं आप, ताकि आपको ये याद रखे कि आपने कैसे यहाँ पर इसको जो मोड ऑफ पेमेंट है वो आपका क्या रहा, कैसे है आपने कैसे किया उसको, तो वो आप यहाँ पर दिखा सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हम ले लेते हैं फॉर एग्जाम्पल 2,000 रुपीज़। ठीक है, अब यहाँ पर हमने फिर है ऑफिस का रेंट। ठीक है, तो उसका यहाँ पर हम इसको रेंट यहाँ शो करेंगे फॉर फॉर एग्जाम्पल यहाँ ले रहा हूँ मैं 12,000 रुपये। ठीक है, फिर यहाँ पर विड्रॉ किया गया है, सपोज कर यहाँ पर हमने लिया 50,000 रुपीज़। ठीक है, और फिर हमने यहाँ पर किया है एसी रिपेयर। ठीक है, तो ये हमने किया है इसको कैश पेड, तो यहाँ पर हमने कितना रिपेयरिंग में खर्च किया है 1,500 रुपीज़। ठीक है, और यहाँ पर हम और ऐड कर सकते हैं कई तरह की, फॉर एग्जांपल हमने यहाँ पर प्रिंटर कोई परचेज किया। ठीक है, वो हमने लिया है यहाँ पर 5,000 का। ठीक है, और यहाँ पर हम लिखते हैं कुछ बर्थडे सेलिब्रेशन। तो यहाँ पर आप अपनी तरफ से जो भी आपकी नीड है उस हिसाब से आप इसको दिखा सकते हैं। ये जस्ट मैं आपको एग्जांपल के लिए समझा रहा हूँ कि आप इसको भी ऐसे, ठीक है, 2,000 ही हो गए। फिर हम यहाँ पर लिख देते हैं एम्प्लॉय ऑफ द वीक। ठीक है, कोई अगर एम्प्लॉय गया तो उसको यहाँ पर हमने रिवार्ड दिया है, वो हम यहाँ लिख सकते हैं 100,000 रुपये हमने किसी को दिए। ठीक है, लास्ट में हम यहाँ पर कुछ और दिखा सकते हैं, हमने यहाँ पर एक माइक्रोवेव कंपनी के लिए परचेज किया है। ठीक है, 5,000 का। ठीक है, तो इस तरह से आप देखिए जैसे मैंने यहाँ पर जो भी मैं एंट्री करता गया वैसे आप देख रहे होंगे कि ऑटोमेटिक वो प्लस भी हो रहा है और वो माइनस भी हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर रिमार्क अपने हिसाब से आप दिखा सकते हैं जो भी आपको दिखाना है। ठीक है, तो ये आपने कैश पेड किया है या जैसे भी किया है, तो इस तरह से आप इसको दिखा सकते हैं। ठीक है, तो अभी क्या है, अब हम इसके बाद हमारा लास्ट स्टेप क्या रहेगा, हम इन सभी को टोटल कर देंगे। सम यूज करेंगे इसके लिए हम ये वाला फंक्शन। ठीक है, प्लस एंड प्लस, सॉरी इन दोनों का अमाउंट सेम ही हो रहा है क्या, 80,000, 67,000। ओके, लेट्स सी। सिक्सटी सेवन थाउजेंड। ठीक है, ये हो गया। अब हमारा जो क्लोजिंग बैलेंस है वो आप यहाँ देख रहे होंगे 13 जुलाई को, वो है 43,000। ठीक है, तो अभी हमें ये वाला अमाउंट भी यहाँ मैच करना है, तो उसके लिए हम यहाँ पर करेंगे जो ये वाला अमाउंट है इसमें हम जो है
ये जो ओपनिंग बैलेंस है, क्योंकि हमें ये भी काउंट करना है, तो 80,000 प्लस 30,000 ये हमने प्लस किया है, माइनस इसमें से हम करेंगे ये वाला 67,000 जो कि हमारा ऑफिस के लिए एक्सपेंसेस हुआ है, ठीक है। और यहाँ पर हम इंटर प्रेस कर देंगे, तो अभी आप देख रहे होंगे ये वाला अमाउंट और ये अमाउंट जो है हमारा दोनों सेम है, तो हमारा जो क्लोजिंग बैलेंस रहा वो रहा 43,000, ठीक है। तो यहाँ पर हमने इसमें क्या चीज़ें हैं, इन इनवर्ड आउटवर्ड, इसको आप जो है डेली एक्सपेंस के लिए यूज़ कर सकते हैं इस शीट को, आप इसको अपनी तरफ से और भी इसको मॉडिफिकेशन कर सकते हैं जिस तरह से भी आपको इसमें नीड है। तो यहाँ पर देखिए हमने टोटल यहाँ पर हमने कुछ यहाँ पर एक्सपेंस दिखाए हैं जो हमारे डेली के थे, बाकी हमने कुछ बैंक से विड्रॉ किया था, ठीक है। तो पेमेंट के कहीं पर यहाँ कई चीज़ चेंज हो सकती है, ठीक है। इनवर्ड को आप बोल सकते हैं कि कोई आपके पास कुछ कैश आया, काउंटर सेल हुआ है, या आपका कोई बैंक के थ्रू आपने विड्रॉ किया, वो आपका इन के अंदर आ सकता है। आउट के अंदर आप उसमें दिखा सकते हैं कि आपका कोई मटेरियल आपने कोई परचेज किया कंपनी के लिए, तो उसको आप आउटवर्ड में दिखा सकते हैं, ठीक है। तो जैसे ही आप इसको यहाँ पर एंटर करेंगे तो ऑटोमेटिक वो सारी चीज़ें यहाँ पर वन बाय वन प्लस भी हो रही हैं और माइनस भी हो रही हैं, ठीक है। तो ये हमारा ओवरऑल जो लास्ट क्लोजिंग बैलेंस है वो है 43,000, ठीक है। तो इस तरह से आप भी जो है एक्सेल में डेली जो आपके एक्सपेंसेस होते हैं ऑफिस से रिलेटेड, उसको आप मेंटेन कर सकते हैं। तो आई होप आपका भी आज का वीडियो पसंद आया होगा, अगर वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ इसको लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।